पाठ दो आरोहण। तो जैसा कि पाठ का नाम है आरोहण और उसका अर्थ होता है चढ़ाई, तो देखते हैं इस पाठ में क्या विषय पढ़ने को मिलता है। पर्वतारोहण यानी पर्वत की चढ़ाई, पर्वत और आरोहण, आरोहण का अर्थ चढ़ाई, पर्वतारोहण यानी पर्वत की चढ़ाई। अब पाठ्य चर्चा का अंश बन गया है, यानी ये एक ऐसा विषय है जो पहले पाठ्य चर्चा का अंश नहीं हुआ करता था, उसका हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे विकास होने के साथ साथ ही पाठ्य चर्चा यानी पाठ्यक्रम में, सिलेबस में पर्वतारोहण जैसे विषयों को भी अब सामने लाया जाने लगा है। तो पर्वतारोहण अब पाठ्य चर्चा का अंश बन गया है, यह शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान भी पा चुका है। इसकी पढ़ाई लिखाई पर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं, यानी इसको, इस विषय को अब कमाई के लायक भी समझने लगे हैं लोग, इसलिए इस विषय में पढ़ाई लिखाई भी लोग करने लगे हैं और इससे जुड़ भी रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं, यानी स्कूल ट्रिप हो, कॉलेज से जा रहे हों, विश्वविद्यालयों से जा रहे हों, लोग अक्सर गर्मी में ही पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करते हैं और पर्वतारोहण का आनंद भी लेते हैं। प्रायः पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं, यानी वहाँ पर जो कोच होते हैं, ज़्यादातर वहाँ के कोच उसी इलाके के होते हैं, पर्वतीय इलाकों के ही होते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये जो दो व्यक्ति हैं, इनका नाम जो है इतिहास में दर्ज है पर्वतारोहण के लिए, और इसी के लिए ज़्यादातर लोग जब पर्वतारोहण के लिए गर्मियों में पर्वतीय इलाकों में जाते हैं तो वहां पर कोच भी उसी इलाकों के ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है, यानी पर्वतारोहण, पर्वत की चढ़ाई सिर्फ आनंद लेने के लिए ही नहीं, वो और भी कौन से मायनों में कितना जरूरी है, लेखक इस पाठ में इस बात को बताएंगे। पर्वतीय प्रदेश में रहने वालों के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है, यानी लेखक जो है साथ में ये भी बताएंगे कि वहाँ पर्वतीय इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन कैसा होता है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, भूस्खलन भी होता है और पत्थरों के खिसकने से, यानी पहाड़ों का टूट टूट कर भी गिरना, छोटे छोटे ही सही, पर इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं, छोटी मोटी ही सही चाहे बड़ी, सभी तरीके की समय के साथ कभी ना कभी आती ही रहती हैं। तो इस वजह से वहाँ का जीवन और समाज जो है वो किस तरीके से नष्ट हो जाता है उसको भी दिखाने का प्रयास किया है लेखक ने। आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब ये पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके संघर्षों, यातनाओं यानी पीड़ाओं को संजीदगी यानी गहराई के साथ रचा है। यानी लेखक जो है इस पाठ में ये भी बताते हैं कि जब वहाँ के लोगों को ये पता लगता है कि पर्वतारोहण जो कि उनकी दिनचर्या है, उनके जीवन के रोज के कामों का एक हिस्सा है, उसको भी कमाई का एक साधन बनाया जा सकता है, और साथ ही वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन का की जो बारीकियां हैं, उनके अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनके जो संघर्ष हैं, उनको जिस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसको गहराई के साथ उन्होंने यहाँ पर सामने लाने का प्रयास किया है। मैदानी इलाकों यानी प्लेन एरियाज में जो उसकी बात कर रहे हैं, मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय देशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, उसका विशद विवरण इस कहानी में प्रस्तुत करती हैं। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय देश प्रदेश की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। हमने उनकी जीवनी में ही पढ़ लिया था कि उनकी कहानियों और उपन्यास में अंचल का प्रभाव दिखता है,
जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों की उन्होंने जानकारी दी है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की जो भाषा है या मुहावरे हैं जो वो प्रयोग करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी यहाँ पर उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसी के लिए उनकी भाषा शैली जो है वो रोचक हो जाती है। तो आंचलिक शब्द देखने को मिलेंगे, वाक्य दिखने को मिलेंगे, पर्वतीय प्रदेश की जो बोली है वो उसके शब्द हैं कुछ, और मुहावरे जो लोग अपने रोज की जिंदगी में प्रयोग करते हैं वो इस पाठ में देखने को मिलेंगे। वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में है, इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। लेखक है संजीव जी, पाठ आरोहण। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतार कर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही, यानी जिस गांव की बात हो रही है वो माही है, और देवकुंड बस स्टॉप की बात हो रही है। साथ ही यहाँ पर 11 साल बाद लौटने की बात हो रही है, जो कि है रूप सिंह। और बस से उतरते ही सीधे वो अपनी नज़र उसकी गांव की ओर जाती है। एक अजीब किस्म की लाज यानी शर्म, अपनत्व, अपनापन और झिझक उसे घेरने लगी थी, क्योंकि इतने समय के बाद वो अपने गांव आया था। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल, इतने यानी कहने का और बोलने का यही तरीका है पर्वतीय इलाकों में, इसी के लिए इसको इतने की जगह इतने ही लिखा गया है, तो ये अंचल का प्रभाव दिख रहा है यहाँ पर। वह इतने साल कहाँ रहा, या कि इतने सालों बाद लौट कर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा? यानी जब रूप सिंह अपने गांव और अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचेगा और लोग उससे जब ये पूछे कि वो इतने साल कहाँ था, और अगर इतने साल वो कहीं और था तो लौट कर आया ही क्यों है, तो इस बात के वो जवाब क्या देगा? कोई खतो किताबत भी नहीं, खतो किताबत मतलब चिट्ठी वगैरह भी कुछ नहीं मिली। पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते। एक दिक्कत और थी, 11 साल बाद भी कोई मुकम्मल सड़क न बन पाई थी माही के लिए, यानी माही गांव के लिए आज तक कोई मुकम्मल यानी सीधी और साफ और ढंग की एक सड़क भी आज भी नहीं बन पाई थी। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर साथ कोई और हो तो सोचना पड़ता है कि अगला क्या सोचेगा। कहने का मतलब ये, अगर अकेले हो तो चाहे पगडंडी से ही रास्ता पार कर लिया जाए, लेकिन साथ में कोई और हो तो ये शर्म महसूस होती है कि आज भी हमारे गांव की सड़क जो है पक्की नहीं हो पाई, या ढंग से एक सड़क भी नहीं बन पाई। फिर साथ वाला भी ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरे IAS ट्रेनी। अब ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल गांव अपने गांव गांव लिवा जाना, अपनी और अपने गांव की तौहीन कराना ही तो हुआ ना। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, लेकिन वहीं शेखर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का आनंद लेने में लगा हुआ था। मगर रूप, आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को। यह दीगर बात थी कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थी। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा, फिर उसके पीछे की जर्द परतों को। यानी पहाड़ी क्षेत्र में जाने के बाद जिस तरीके से एक बड़ा पहाड़ होता है उसके पीछे भी कई पहाड़ दिखते हैं, वही परिवेश दिखाने की और नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। कि फिर उसके पीछे की जर्द परतों के जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियां जड़ी हुई थी, उसके हिसाब से अभी वह 6,000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना था उसे। उसने कलाई पर बंधी अपनी इम्पोर्टेड घड़ी पर नजर गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही होनी है। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नजर डाली और चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? आप कड़े जाड़ा छावा, आपको कहाँ जाना है? माही, सरगी से पहले का गांव। चाय वाला अपना सिर खुजाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा, यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही? अभी तभी जैसे कुछ याद आया उसे, उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा, ओए महीप, तुई वकी जाड़ा छू, तू कहाँ वहां जाएगा? अरे माही, तो इस तरीके से वो वहां पे बैठे एक बच्चे से पूछता है अपने ही अंचल की भाषा का प्रयोग करते हुए कि क्या वहां पर जाएगा, तो वो उसको साथ में जवाब भी देता है कि माही जाने की बात कही जा रही है।
लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेले बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी यानी उदासी भरी गर्दन फेरी और मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून यानी पेंट और स्लेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वह। यह जा सकेगा भला? शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा, यहाँ सवारियां मिलती कहाँ हैं। आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खई तो मारना है, घाट बड़ी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते ही तो आई छो। यानी जो वो चाय वाला था वो साथ में ये भी बोलता है कि ये बच्चा क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पे कौन सी बड़ी कमाई हो रही है और कौन सी बहुत आसानी से सवारियां मिल जाती हैं, और ये वैसे भी इसने यहाँ पे बैठ के करना ही क्या है, मक्खी तो मारना है और जाएगा तो कुछ पैसे ही कमाएगा। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी देर में दो घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया था, 2 घोड़ों के 100 रुपए। चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजला चंदोफ जहां तहां दरकने लगा था। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा था। पगुरा रहा था जानवर जो खाली बैठे अपने मुंह चलाते रहते खाने के अंदाज में, उसको पगुरा ना कहते हैं। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाले का, यानी सवारी थी जिस पर वो चल जा रहे थे चढ़कर। साथ ही धूप की तगड़ी रोशनी की वजह से छाया भी साथ साथ उनके चल रही थी। तो ये गहरी बात करते हुए लेखक लिखते हैं कि पता नहीं कौन किसका पैबंद था। पैबंद का मतलब होता है जैसे फटे कपड़े पर एक छोटा कपड़े का टुकड़ा लगाकर उसको सिल दिया जाता है, जिससे कि वो कपड़ा जो फटा है उसको ढक दिया जा सके। वैसे ही यहाँ पर उजाला जो है वो अंधेरे को ढक रहा है, या अंधेरा जो है उजाले को ढक रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही और लेखक ये कहना चाहता है। चढ़ाइयाँ और ढलाने, बीच बीच में जहाँ तहाँ उगे उगे छोटे छोटे घरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे, जो झर झर कर उनके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास, लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सूपिन, शाप की मारी अभागिन सूपिन। घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, पतला दर्दीला सुर। ऊंची नीची डांडियों मा हे कुहेड़ी ना लागतू। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुर मतलब घोड़े के जो पैर हैं उसके जो नाखून है उसे खुर कहा जाता है। घोड़ों के खुरों से खट खट खर खर के आसफुट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत, जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। घोड़े के चलने की जो टाप है उसी संगीत की बात लेखक कर रहे हैं। ऊंचे नीचे पाखों माँ हे घसेरी ना जाए तू, और वो दर्दीला गीत जो अनजानी जगह से और किसी के गाने की आ रही थी, वही गीत गीत जैसे जीवन और मृत्यु इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। ऊंची नीची डांडियों माँ हे हिलांस ना बांस तू, इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। मतलब कोहरे से सवाल कर रही है कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कि ए कोहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम ना लगो जाकर। इस पर कोहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू ना जाया कर। इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा ना बनाया कर। मगर तेरी आवाज भर्रा क्यों गई बताते बताते? शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द की टेर है, टेर मतलब आवाज है शेखर साहब, यह एक दर्द की टेर है शेखर साहब। आपने वो गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। शेखर ने गीत पूरा किया। हाँ वही, ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया, यहाँ उड़ गया, मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में, इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नजर नहीं आते। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते हैं, पहचान तक नहीं पाते। थोड़ी देर तक कुछ
कोई कुछ नहीं बोला सिवाय खुरों की आवाजों और गीत की धीमी पड़ती लय के, जिसकी हिलकोरों में अगजग डूब डूब उतरा रहा था। सारी ध्वनियां सो रही थी। और इस तरीके से एक अनजाने लड़की जिसके द्वारा वो गीत गाया जा रहा है, उससे भी पता चलता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी किस तरीके से जो खतरे वाली जगह होती है वहाँ पर भी जाकर वो लड़कियाँ जो हैं वो वहाँ पर मेहनत करती हैं। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को धकेला था। क्यों? शेखर भी रुक गया। और अचानक ही रूप को एक बात याद आ जाती है और वो वहाँ पर रुक कर कहता है कि यहीं पर मैंने भूप दादा को धकेला था। यानी ये ही होते हैं पहाड़ी जीवन के संघर्ष और लोगों की यातनाएं या फिर पीड़ा, जो एक दूसरे में समाई रह जाती हैं और किसी न किसी वजह से किस तरीके से वो एक दूसरे को पीड़ित करती रहती हैं। और अचानक ही वैसे ही रूप को भी वो बात एकदम से याद आ जाती है, जिसमें वो ये बोलता है कि मैंने यहीं पर भूप दादा को धकेला था। उस पर शेखर रुक जाता है और पूछता था, धकेला था क्यों? वो, मैं भाग गया था घर से देवकुंड, भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया था। कहीं मैं फिर भाग ना जाऊं सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें यहाँ इसी जगह। वे संभल ना सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था सो मैं भी खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है, उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ की इस तरफ भूप, इस तरफ मैं, झूलने लगे हम दोनों। बीच में थे हमारे हाथ, बहुत सख्त जान थे भूप दादा, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, मगर वे ऊपर से जितनी सख्त जान थे अंदर से उतने ही नरम। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत से फिसले थे। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर, जैसे तैसे हम खींच कर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी भुईला? उन्होंने तब अनुतप्त भाव से पूछा। वे खीज भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और मैं अपनी खरोचों पर लगाया। पत्ते निचोड़ना और उसका प्रयोग करना अपनी चोटों पर, ये भी पहाड़ी जीवन के रहन-सहन की जानकारी देता है। ये दाग अभी भी रह गए हैं। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा। वहीं रुक कर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं, हाँका नहीं, रूप ने खुद ही ऐड लगाई तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओ कैसे चढ़ी थी चढ़ाई हमने उस दिन, क्या बताएं, पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग जानते होते तो इतनी मुश्किल ना आती। और इस पर शेखर जो है वो उनको ये जानकारी देते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग कैसे होती है। अगर तुम वो जान रहे होते तो शायद इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जो कि पाठ इसी जानकारी से संबंधित है और इसी के लिए उसका जो शीर्षक है आरोहण, वो इसी से संबंधित है। और शेखर वो जानकारी देते हैं कि रॉक यानी रॉक का अर्थ ही होता है पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थरों पर, यानी जो पहाड़ हैं उस पर चढ़ाई करने का, अगर ये रॉक क्लाइंबिंग जानते तो शायद इतनी मुसीबत नहीं होती। बच्चे की तरह बोल उठा था शेखर। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। मार जितनी ऊंचाई तक जा सका हूँ उस सब का, मगर उनसे मुलाकात तो इस वाकये के साल भर बाद हुई। अच्छा, मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते? रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नजर से पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए, देखे कितना जान पाए हैं आप। पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज की सुधि रह जाती है, सुधि मतलब ख्याल रह जाता है, न शेखर को, और यह आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था। मैं शेखर के नीचे देखे बिना ही उं, हाँ करते हुए परीक्षार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रॉक पिटल लगाते। यहाँ खैर चलिए मान लिया, अगर दरार ना मिली तो ड्रिल करके लगाएंगे, बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर आगे, रॉक पिटन, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर, नो नो, रॉक लेडर, रस्सी की सीढ़ी, नो, आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच, देन गार्डनिंग, चौरस या समतल बनाना, फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है, इग्नियस है, ग्रेनाइट है, मेटामॉर्फिक है, सैंडस्टोन है या सिलिका, क्या है, वरना अव्वल तो सपोर्ट ही नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो फ्री रैपलिंग नहीं होगी।
तो इस तरीके से रूप जो है अपनी जानकारी, अपनी गाइडेंस जो है आगे को बढ़ाते हुए शेखर को बताने लगता है कि वो किस तरीके से गलत जा रहा है। अभी भी शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई। यस यस, दोनों आरोही अति उत्साह में थे। आरोही मतलब, आरोहण का मतलब चढ़ाई, तो आरोही मतलब जो चढ़ने वाला है, तो दोनों ही आरोही कहलाएंगे। अब दोनों आरोही अति उत्साह में थे। आरोहण के दुस्साहसिक यानी बहुत ही ज्यादा साहस का काम करने वाला होता है ये काम आरोहण। तो आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान ना हुआ कि ढलान से उतरकर कब वे बीच के मैदान में चले आए थे, और अब वे मैदान भी दोनों की ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से संकरा यानी पतला होता चला जा रहा था। अब वे आपके सामने इजी, अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, अब कुछ मुश्किल सवाल। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही जाना हो, ख्याल रहे दोनों के बीच सुपीन है, कैसे करोगे? रूप की उंगली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। 1 मिनट, मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतर कर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफी ऊपर तक देवदार खड़े थे, जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए कहा करते थे। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर से चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। यह तो लाइमस्टोन है सीकरी जीन, बस नहीं ओवरहैंगिंग भी है। हाँ है, अभी तभी तो टफ है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकता कर टोक दिया, साहब जल्दी करो ना। और इस तरीके से जो सवारी ले जाने वाला था उसका नाम था महीप, वो बीच में ही टोक देता है। जब रूप और शेखर दोनों आपस में आरोहण की से संबंधित जो जानकारी है एक दूसरे को टेस्ट कर रहे होते हैं, वो चेक जब कर रहे होते हैं, बातें कर रहे हो तो उसमें एकदम से मशगूल होते हैं, तभी महीप उन्हें टोक देता है और बोलता है साहब जल्दी करो ना। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद करके फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। नीचे की संकरी यानी पतली नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ा था। शेखर डर कर घोड़े से उतरना चाहता था, मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब। अब वह घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरो, संभली के यानी वो अपने घोड़ों को निर्देश दे रहा था कि संभल के हीरू, संभल के। ओए वीरू दाएं चल, दाएं, अरे ले जाता है नदी माँ, दाएं दाएं, संभली के। मगर जब सामने भेड़े आ गई और भेड़ों के साथ साथ भोटिया कुत्ता भी, तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नजर कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़े हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर। अमरूप शेखर ने धीरे से कहा, पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं। हाँ, कभी प्रेम की चढ़ाई चढ़ी कोई उस उम्र में? अरे कोई तो मिली होगी जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो मगर उम्र में मुझसे काफी बड़ी। इतनी? शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया। हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा वह। भेड़े चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती थी। इतनी ही हसीन भी थी ना। ओह, ये क्या है उसके सामने? शैला तो इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्य मानता। जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती, मैं उसकी भेड़े हाका करता, उसके लिए बुरुंस के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल जाए तो सबसे पहले उसे ला कर देता, और बदले में वह क्या देती? शेखर ने ठिठोली की यानी मजाकिया, हंसी मजाकिया। वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्की की रोटी वगैरह भी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती, बिना आते तो मुझे, जिस दिन भूप दादा ना आते आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। रूप एक झेप भरी हंसी हंसकर चुप हो गया। महीप ने कनखियों यानी तिरछी निगाहों से हंसी व्यंग्य के रूप में महीप जो है रूप को देखता है, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगता है। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं, कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं, उस दौरान कईयों ने से साहब का पड़ा, मतलब मुलाकात हुआ या फिर सामना हुआ, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए,
मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ, महीप मुड़कर रूप को देखने लगा जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो। इस तरीके से जो घोड़े चलाने वाला बच्चा था जिसका नाम महीप था, वो भी रूप की बातों में आनंद लेने लगता है और ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगता है। अचानक रूप को खटका हुआ, ये कहाँ आ गया वह? यहाँ तो झरने झर रहे हैं, चार गाह का नामो निशान नहीं। बोला, ए लड़के, तू हमें कहाँ लिवा जा रहा है? महीप बोला, मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था, वहां भेड़े चराने आते थे लोग। पहाड़ के धस में वो सब कब का दब ढक गया सब। और इस तरीके से महीप बताता है कि पहाड़ के गिरने से, पहाड़ इस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आने से, पहाड़ के गिर जाने से या धस जाने से जो है वो कब की वो जगह जो है ढक गई, दब गई है। लो शेखर साहब, पस्त तो हो गया रूप। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुकामात सब के सब ढक गए भूस्खलन में। अब तो नए रास्ते हैं और इन्हीं से होकर चलना है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत, स्वर्ग जैसा। और इस तरीके से जब महीप ये बताता है कि बहुत समय पहले पहाड़ों के गिरने से या प्राकृतिक आपदाओं से वो जगह जो है धस गई और दब गई, तो ये भी पर्वतीय जीवन की जो का परिवेश है वो यहाँ पर परिलक्षित होता है, यहाँ पर दिखाते हैं लेखक। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत। और यहाँ पर शेखर जो है रूप को ये बताते हैं कि जहाँ तुम रहते हो, जिस जगह पर हम इस वक्त अभी हैं, वो है, वो जगह जो है स्वर्ग जैसी खूबसूरत है। हाँ, वो क्या कि पांडव इसी रास्ते गए थे स्वर्ग को। इधर का सबसे आखिरी गांव सुरगी है। सुरगी यानी स्वर्ग, उसके कुछ आगे स्वर्गारोहिणी। जब बर्फ पड़ती होगी, सारा इलाका बर्फ से ढक जाता होगा। जब ही ना लैंडस्लाइड हुआ, वह बात नहीं, मैं तो इस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, उस पर ये घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो, हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल, फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर। अभी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो तो है ही है। वही मैं सोच रहा था कि बर्फ के दौरान क्या करता होगा ये हिलांस की तरह जा छुपता होगा अपनी माँ की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा, वो महीप। तो इस तरीके से महीप जो 15 किलोमीटर दूर से पैदल चला रहा है घोड़ों को निर्देश देते हुए, और वो ये हट्टे कट्टे जवान होने के बावजूद भी घोड़ों की सवारी पर हो चल रहे हैं। और इस तरीके से पता लगता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं छोटी उम्र में भी कितना मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत का काम उनके लिए, उनके जो जीवनचर्या को चलाने के लिए उन्हें मजबूर करती है। इस तरह जब महीप को बुलाया जाता है तो महीप जवाब में कहता है, जी साहब, तेरे पाँव में दर्द होता होगा, आजा कुछ देर, तू घोड़े पे बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के आना ही है। तो महीप उस पे कहता है कि लौटते वक्त तो चढ़ के ही आना है, मतलब बैठ के ही वो आएगा। ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तूने? किस गांव का है? इससे यह भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन कौन है। शेखर ने कहा, साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो बहुत ही बेहतरीन जवाब देता है कि उसको अपने काम में डिस्टरबेंस हो रही है उनकी बातों से, और उस तरीके का कोई भी प्रश्न ना पूछे क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। कहकर महीप ने उसके सवालों पर विराम लगा दिया। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे और वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारते निर्देश देते चल रहा था, जो उसके लिए इस समय उनके फालतू सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आगे एक झरना था और एक उजड़ी पंचक्की जगह थोड़ी चौड़ी थी। पानी रास्ते को काट कर बह रहा था। घोड़ों ने मुंह लगा दिया तो उन्हें उतरना पड़ा। महीप चुपचाप पानी पिलाता रहा और हीरू वीरू को, फिर वह खुद भी पानी पीने लगा। वो अभी क्या संयोग था शेखर साहब, रूप जैसे अतीत में लौट आया था। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए ना आते, ना रास्ता भटकते, ना मेरी जरूरत होती। मैंने भी ना तो वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, ना वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लिवा जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब। 11 साल बीत गए, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस तरह लड़के को भी वापसी में साथ लिवाता जाए तो कैसा रहे, मगर ये लड़का एक ही घुन्ना है, कुछ बोलता ही नहीं। तो इस तरीके से वो लड़के को देखकर अब तक ये समझ गए थे कि वो लड़का ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन उनके मन में आता है कि वो भी इस लड़के को जो है इस तरीके से ले जाए और उसको कुछ काम सिखाकर उसकी भी ज़िंदगी बना दे। साहब, इतनी इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे? महीप ने उन्हें चेताया तो वे एक एक कर फिर सवार हुए घोड़ों पर। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती, रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा,
अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, बस उस डांडी पहाड़ के पीछे। तुमने बताया नहीं तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से। लड़के ने जैसे सुना ही नहीं, वह रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को हटाने लगा था। पत्थर बड़ा था लड़के की औकात से ज्यादा, फिर भी वह पीला पड़ा था। उसकी सहायता के लिए वह अभी नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे ढकेल दिया। कुड़ गया रूप, अजीब होते हैं पहाड़ी लोग, रूप ने कहा, फिर मन ही मन झेप गया, वह भी तो पहाड़ी ही है। गांव करीब आता जा रहा था, वर्षों की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। बंद स्मृतियों के कपाट, कपाट यानी दरवाजे, यानी जिसको जिन चीजों को वो छोड़कर और पीछे छोड़कर आगे निकल चुका था, उन यादों के दरवाजों को आज वो खुलता हुआ देख रहा था। एक ओर सुपिन, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा, माँ, भूप दादा और लोग। कितनी दूर है केदार कांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। बहुत पुराने लोगों में से किसी न किसी ने लाल पलटन के अंग्रेजों को देखा था। न्यों ने नहीं, नयों ने नहीं, नयों मतलब नए। सो दो गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। तो जैसे ही शेखर और रूप जो है वो अपने गांव पहुंचते हैं, तो वो गांव के लोगों के लिए जो है अंग्रेजों की तरह थे और अजनबी थे। तो इस तरीके से उन्हें देखने के लिए गांव के लोग जो है अपने अपने घरों से निकल आए, जो कि आज भी ऐसा ही होता है। हालांकि ये सितंबर का महीना था और दिन के अभी 3 ही बजे थे, मगर यहाँ ठंड काफ़ी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। रूप की नज़रें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थी, यानी रूप जो है अपनी नज़रों से हर एक को टटोल रहा था, यानी पहचानने की कोशिश कर रहा था। लड़का एक सहने सही सा अपनी थकान भूलकर अपने हीरू वीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोच कर रख लिया और 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट निकाल कर लड़के को थमाते हुए बोला, देखो तुम भी थके हो और तुम्हारे घोड़े भी, फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है, ऐसा करो आज रात ही रुक जाओ, सुबह चले जाना। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, यानी उसने किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया। तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा, यहाँ मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लड़के ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीठ फेर कर नोटों को गिनने में मशगूल रहा। उसकी इस धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा, फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर जैसे ही देखे जा रहा बनाकर उसे ही देखे जा रहा था। कने जाड़ा छावा साहब, कहाँ जाना है साहब? रूप ने बताया, बाबा यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह दो बेटे थे। वो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर है। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय, यानी जिसको पहचान ना पाया जा सके, बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की शिला हिलकर रह गई, मगर टली नहीं। तो रूप को जितनी भी गढ़वाली याद रह गई थी उसे जोड़ने सजाने लगा, बाबा यक भूप सिंह, रूप सिंह दुई भाई होंदा छे। हाँ, इस बार बूढ़े के होंठ हिले, लेकिन रूप तो बहुत पहले भागी गई छाए। अगर मैं बोलूँ कि मैं वही रूप सिंह छो तो, अगर मैं बोलूँ कि मैं वही रूप सिंह हूँ तो, तू ना आप मजाक करी छू साहब, आप तो ही भी मजाक की छे, जो आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छुए। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। किसी दूसरे आदमी ने पूछा, हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहाँ इतने दिन?